हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पनीर पकौड़ा बनाऊंगी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या कभी भी आप इसे बनाइए, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बड़ों को, बच्चों को, सबको ही बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार है। 200 ग्राम पनीर, जिसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक कटोरी बेसन, ऑयल फ्राई करने के लिए, अजवाइन, बेकिंग पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, लाल मिर्ची पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर पकौड़ा बनाना। एक बर्तन लेंगे, इसमें बेसन डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 1 पिंच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच से भी कम अजवाइन। मिलाएंगे अच्छे से, अब इसमें पानी डाल के बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, मिलाएंगे। बैटर तैयार है, देखिए एकदम पतला भी नहीं करना है ना बहुत गाढ़ा रखना है, मीडियम रखेंगे इसे, और कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसे साइड में रख देते हैं 5 मिनट के लिए। चाट मसाला लेंगे, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा, धनिया पाउडर, मिलाएंगे इसे अच्छे से। देखिए मिल गया है। अब पनीर का एक पीस रखेंगे प्लेट के ऊपर, इस पे थोड़ा ये मसाला डालेंगे जो बनाया अभी। अब इस पे दूसरा पनीर का पीस ऐसे रख देंगे, ऐसे ही सब रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो बीच में हरी चटनी या केचप भी लगा सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम होने के लिए रख दिया है। अब पनीर लेंगे, दोनों पीस लेके डिप करेंगे इसे अच्छे से। देखिए ऐसे अच्छे से करना है। फिर ऑयल गरम हो चुका है, उसमें डाल देंगे, ऐसे ही सारे डाल लें। मीडियम फ्लेम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे अब पकने देंगे। बीच बीच में तेज करते रहेंगे गैस को, हिलाएंगे अब एक साइड से। पनीर पकौड़ा सिक गए हैं, देखिए अब इनको निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम अब बंद कर देंगे। सर्व करेंगे गर्मा गर्म। गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी है।
पनीर पकोड़ा को आप केचप के साथ, हरी चटनी, इमली सॉस किसी के साथ भी खाइए, सबके साथ ही बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। इसे आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, पार्टी में कभी भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी न्यू रेसिपी से मिस ना हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, एंजॉय पनीर।